ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं अंबिकापुर की। जी हां, यहां के सरगवा गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण में अधिकारियों की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। दरअसल गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है। इस दौरान भवन के मुख्य द्वार पर लगा बड़ा लोहे का गेट एक 7 साल की मासूम के ऊपर गिर पड़ा, जिससे इसकी मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया। वहीं मामले में सरपंच मीना हरीना ने इस पूरे निर्माण कार्य में इंजीनियर और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फोन आया कि यहाँ पे यानी कि पीएमजीएसवाई का गेट टूट जाने के कारण एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तब तक यानी कि हम लोग के आते तक बच्चे को ले गए थे हॉस्पिटल, और वहां से खबर आई कि उसका डेथ हो चुका है। ऐसे करके ये जो घटना घटा है, ये सिर्फ लापरवाही का घटना है। इस घटना में गुणवत्ता का कोई भी कहीं भी कुछ नहीं है। जो भी काम ठेकेदार और इंजीनियर जो भी किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके अगर नहीं देंगे, किसी प्रकार का कुछ भी होगा, तो हम लोग बहुत आंदोलन करेंगे। लोहे का गेट बना हुआ था जिस पर एक बच्चा खेल रहा था, और वो गेट टूट करके उन्हीं के ऊपर में गिर गया, और जिससे उनके सिर में चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई है। 7 साल का बच्चा था, श्रीकांत दास और सुचित दास के बेटे हैं। तो अभी हम लोग इस पर पूरी जाँच कर रहे हैं, पंचनामा कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे अंबिकापुर रिपोर्टर राम कुमार यादव हमारे साथ बने हुए हैं। राम कुमार, ये कैसे हुआ पूरा हादसा, और क्या जो गेट है वो निर्माणाधीन था या बन चुका था? जी बता दो आपको, ये पूरा जो घटनाक्रम है अंबिकापुर से लगे ग्राम सरगावा का है, जहाँ पे पीएम जसवाई के द्वारा जो है भवन जो बनाया जा रहा है, प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है जी, काफी जो है भारी भव्य तरीके से उसे बनाया जा रहा है। और जो गेट की जो बात कर रहे हैं, जिस गेट की वजह से ये घटना हुई है, वो कई कुंटल का जो गेट है। राम कुमार, आपको रोकना चाहूंगा। पहले घटना के चश्मदीद गवाह जो हैं भारत सिंह सिसोदिया, जो कि किसान मोर्चा के महामंत्री भी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी भारत सिंह सिसोदिया जी, क्या कुछ हुआ आपकी आंखों के सामने? देखिए, मेरी आंखों के सामने कोई घटना नहीं हुई है, वहां पर मैं मौजूद नहीं था जी। घटना के उपरांत मुझको उस क्षेत्र से मेरा आना जाना है, वहां के गांव वालों के साथ मेरा कनेक्शन है जी। उन लोगों ने मुझको बुलाया, वहां पर जाकर के जब हम लोगों ने देखा तो ये पाया कि एक लोहे का बड़ा गेट है पीडब्ल्यूडी का। वो अभी राम कुमार जी जो बोल रहे थे वो पीएमजीएसवाई का नहीं, पीडब्ल्यूडी का भवन है, एसडी कार्यालय, अधीक्षण अभियंता कार्यालय जी, वो वहां पर शिफ्ट होने वाला है। उसके लिए वो भवन बन रहा है, भवन निर्माणाधीन है, और निर्माणाधीन भवन में लेकिन गेट का काम देखने से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है जी। तो वो गेट पूरे तरीके से बना हुआ है, मेन डोर बंद था जी। लेकिन एक दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में बच्चे शायद उस गेट में झूल रहे थे जैसा बताया जी। और उसके वजह से गेट इतना बड़ा है, और उसके गेट बहुत बड़ा होने की वजह से उसमें जो सुरक्षा के जो मानक तय होने चाहिए थे, मुझको लगता है कि वो मानक पूरे तरीके से गलत थे या सही नहीं थे जी, जी। इस वजह से वो दुर्घटना हुई। बच्चे लगभग 30 फीट का गेट है पूरा जी, और वो किसी वजह से टूट करके उस बच्चे के ऊपर गिर गया। बच्चा छोटा था, लगभग 3 साल या 4 साल का रहा होगा, और ऑब्वियसली उसमें अगर कोई बड़ा भी उतना बड़ा गेट गिर जाता तो वो बचने वाला नहीं था। बच्चे की एक बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई। बिल्कुल, वाकई दर्दनाक हादसा हुआ है। सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता राम कुमार यादव हमारे साथ बने हुए। यादव जी, ये सिसोदिया जी तो कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग बन रही है वहां पे। पीडब्ल्यूडी पीएम जसवाई का जो है, जो हमारे जो जो जानकारी प्राप्त हुई थी, पीएम जसवाई के द्वारा वो बनाया गया है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जो प्रशिक्षण केंद्र है जी। तो गेट जो है, आपको क्या लगता है यादव जी, कि ये हादसा है या जो है लापरवाही नजर आ रही है आपको, कि वो गेट जो था वो पूरी तरह से बन रहा था या बन चुका था? ये देखिए, पूरी तरह से लापरवाही ही मानी जाएगी, क्योंकि गेट बन चुका था। गेट को सहारा देने के लिए जो बांस का बल्ली लगाया जाता है, वो बल्ली भी लगाई गई जी जी। गेट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, बस उसे वो सपोर्ट के लिए लगाया गया था। बांस का जो बल्ली है
और कुछ दिन के बाद जो है उसके हटाने के बाद से वो जो ऑफिस जो है वो वहाँ पे शिफ्ट भी होने वाला था। चलिए बिल्कुल, तो रामकुमार आप इस खबर पर नजर बनाए रखें और ये देखिए कि पुलिस इस मामले में आगे चलकर क्या कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और